हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के बारे में, और जो भी हमारे पास टाइमलाइन में इम्पोर्टेंट या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, ईयर हो सकता है, या कोई इवेंट हो सकता है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्लब बनाए गए थे, ग्रुप्स बनाए गए थे, कुछ अखबार जो थे इम्पोर्टेंट थे, और कुछ लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे। तो ये पीडीएफ में आप लोगों को पूरी जो ये पीडीएफ है 3 to 4 pages की, उसमें आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। हम इसे प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर टॉपिक में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे आपको याद कैसे करना है। तो जब भी टाइमलाइन आती है, अगर आप चाहे हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी आप टाइमलाइन याद करनी हो या कोई लिस्ट याद करनी हो तो जो इफेक्टिव मेथड है याद करने का वो है आप लोगों का फ्लैश कार्ड मेथड। फ्लैश कार्ड मेथड होता क्या है कि आप एक छोटा सा पेज ले लेंगे, जैसे कि एक पेज लेंगे उसके 8 कार्ड्स आप लोग बना लेंगे, और कार्ड्स थोड़े से बड़े हों तो ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक तरफ को हम लिख लेंगे कार्ड के कालू सिंह मेहरा, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्हें माना जाता है, इन्होंने क्रांतिवीर संगठन बनाया था। और दूसरा कार्ड आप क्रांतिवीर संगठन का बना सकते हैं कि क्रांतिवीर संगठन, और दूसरी तरफ आप कालू सिंह मेहरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी इट्स मेहरा। सो आप लोगों को चीजें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। और कार्ड्स बनाने का एक फायदा और भी है जो कि काफी कम लोगों को समझ में आता है, कि जैसे ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी दी है, तो आप लोगों के पास में क्या है कि ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप इस पीडीएफ में पढ़ेंगे या बुक में पढ़ेंगे तो ये सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को एक चैलेंज नहीं मिलता है। जबकि जब पेपर में ये आएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी भी सीक्वेंस में मिल जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि 1857 के बाद 1870 और 1871 इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई भी सीक्वेंस आप लोगों का आ सकता है। तो जब हम कार्ड से प्रैक्टिस करें, सपोज कीजिए आपके पास में 40 कार्ड्स आप लोगों ने बना दिए हैं इस पीडीएफ से, तो 40 कार्ड्स अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 10 मिनट में अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस चेंज होता रहेगा क्वेश्चंस का, और अलग अलग जगह आप लोगों को मिलेंगे ये क्वेश्चंस, और आप लोगों का क्या होगा जो प्रेपरेशन होगी वो एक रियल टाइम प्रैक्टिस आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग कीजिए और आपको कहीं ना कहीं हेल्प इसमें मिलने वाली है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, कालू सिंह मेहरा, ये इन्होंने क्रांतिवीर संगठन बनाया था और उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाए माने जाते हैं। तो आप लोगों का एक कार्ड ये बन गया। नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का है 70 में। तो ध्यान दीजिए कि जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको कभी भी इस तरह से याद नहीं करना 1870, नहीं तो आप लोगों को चीजें याद नहीं होगी। आपको 70 याद रखना है, और 70 किसमें, डिबेटिंग क्लब। तो जब भी आप डिबेटिंग क्लब लिखेंगे उसके साथ में 70 लिखेंगे, तो क्या होगा कि आप कहीं भी लिख रहे हैं डिबेटिंग क्लब 70, डिबेटिंग क्लब 70, तो एक आइडिया जो है, मतलब 50% आंसर आप लोगों का उसी के साथ में अटैच हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो डिबेटिंग क्लब 70। अब यहाँ पर आ जाते हैं 71। 71 क्या था, अल्मोड़ा अखबार। इसी तरह से आप जब भी अल्मोड़ा अखबार की बात आएगी तो 71 उसके साथ में लिखेंगे। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर गया कौन था, वहां पर गए थे ज्वालादत्त जोशी। ज्वालादत्त जोशी क्या हुए थे, अधिवेशन में गए थे ज्वाला लेके। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से याद किया था कि आप लोग ऐसे एक ज्वाला बना लीजिए। ठीक है, और ये कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, कब, ये 86 में गए थे। तो 86 ज्वाला बनाइए, ज्वाला बनाइए उस पे 86 लिखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी गए थे। उसके बाद आते हैं हैप्पी क्लब। अब जब हम बचपन में क्या होते थे कि अगर हमें 2-3 रुपए अगर मिल जाते थे तो हैप्पी क्लब, मतलब हम हैप्पी हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो 1803 तीन कितने रुपए में हैप्पी होते थे, 3 रुपए में हैप्पी होते थे। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, अब इन्हें आप क्या मान लीजिए कि हैप्पी क्लब किसने बनाया था, गोविंद बल्लभ पंत थे जो उन्होंने बनाया था, और गोविंद बल्लभ पंत छोटे छोटे बच्चों को 3 रुपए दिए करते थे, तो इसलिए सभी लोग क्या हो जाते थे, हैप्पी हो जाते थे। तो होपफुली आप लोग को रिलेट कर पाएंगे, और ये मैं अभी कोरिलेट आप लोगों के लिए लाइव कर रहा हूँ। मीन्स मैंने इससे पहले इसको किस तरह से याद किया था वो उस टाइम की बात अलग है, लेकिन अभी मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये इस तरह से हम इसे याद करेंगे। तो आप भी चीजों को कोरिलेट करके पढ़िए, मजा भी आएगा और साथ ही साथ हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। अब आपका है 11 to 17। इसमें वन नीति के विरोध में इसके बीच में जो 11 से 17 के बीच में, ठीक है, 11 से 17 के बीच में आप लोगों का क्या हुआ था, व्यापक जन आंदोलन हुए थे।
और 12 की बात करें हम, अब हम 1912 में, यहां से हम 1900 में पहुंच गए हैं, और याद ना भी रहे आपको 1900 में, लेकिन ये क्या होगा, आप लोगों को ऑप्शन इसी तरह से आएंगे, आपको बस तीन याद रहेगा तो आपको हैप्पी क्लब भी याद रहेगा, 11-17 याद रहेगा तो वन नीति भी आप लोगों को याद में रहेंगे कि इनके बीच में आंदोलन हुए थे। 12 जो है वो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, 12 में क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना, तो आपको 12 भी याद रखना है। उसके बाद 2 साल बाद यहाँ पे होम रूल, या होम रूल लीग जो हुआ था उसमें कौन कौन से, तो इसमें विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद ने राज्य में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो कौन कौन से थे, विक्टर जोशी थे इसमें आप लोगों के, बद्रीदत्त पांडे थे और चिरंजी लाल थे और हेमचंद थे, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 1916 में गांधी जी आए थे देहरादून की यात्रा पर, और 1916 में ही कुमाऊं परिषद का हुआ था ये। अगर हम बात करें 1916, देखिए 16 और 26 ध्यान दीजिए, 10 साल के बाद, ठीक 10 साल के बाद ये क्या हो गया था, कांग्रेस में विलय हो गया था, तो अच्छा कोरिलेशन है यहाँ पे 10 साल का, 26-16, तो आप लोगों को याद भी रहेगा ये चीज। कुमाऊं परिषद की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को, चलिए एक अभी अभी आप लोगों को एक चीज पूछता हूँ, गोविंद वल्लभ पंत बच्चों को कितने रुपए दिया करते थे खुश करने के लिए, ठीक है, मीन्स हैप्पी करने के लिए, तो 3 रुपए दिया करते थे, क्या करने के लिए, हैप्पी करने के लिए। तो आप लोगों को याद रहेगा कि क्या है, हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत हमने अभी याद किया था, तो कहीं ना कहीं चीजें याद हो जाती है हमें। तो पूरा जो मैंने कोर्स डेवलप किया है वो हमारा इसी तरह से है, और आपको वीडियोस में काफी सारी चीजें कोरिलेशन के द्वारा आप लोगों को याद हो जाती है चीजें। अब 1918 की हम बात करें, देखिए 16 के बाद सीधे 18 में गढ़वाल कांग्रेस, इसमें बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, अनसूया प्रसाद बहुगुणा थे। अब 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद गोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली, और सभी को रजिस्टर, सारे रजिस्टर जो होते हैं, अच्छा कुली बेगार, बेगार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बेगार बेगार का मतलब होता है कि बिना फीस के आपसे काम करवाना। तो क्या होता था कि पहाड़ों में, यूजुअली पहाड़ों का जो इलाका होता था उसमें अलग अलग पहाड़ पे क्या होते हैं, गांव होते थे। अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ वाले गांव को क्या करेंगे, यहाँ तक सामान ढोने के लिए यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, तो उसमें कुछ रजिस्टर बनाए जाते थे कि किसने कहाँ पे कितना काम किया है, उसमें सारा मेंटेन किया जाता था। तो उसमें 40,000 जो स्वतंत्रता सेनानी सरयू नदी के तट पर इकट्ठा हुए और उन्होंने जो रजिस्टर थे उसमें बहा दिया। अब मैंने इसे कैसे याद किया था कि 21 कुली जो थे, कुली ठीक है, कुली सामान ढोने वाले 21 कुली सरयू में बहा दिए गए थे। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा फनी लग सकता है, या आप इस तरह से याद कर सकते हैं, तो कितने कुली बहा थे, 21 कुली बहाए थे सरयू नदी में। इसी तरह से आप लोग इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। 14 जून 2000, जुलाई 1929, गांधी जी और नेहरू जी के द्वारा कुमाऊं का एक दौरा किया गया था। कौसानी में गांधी जी द्वारा अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी गई। कार्ड बनाइए, कार्ड के पीछे ये लिख लेना आप, और कार्ड के पीछे अनाशक्ति योग भी लिख लेना। और गांधी जी की यात्रा, ये कहाँ आए थे, कुमाऊं में, कौसानी में, कौसानी को उन्होंने बोला था भारत का स्विट्जरलैंड, ये गांधी जी ने कहा था। 16 से 24 अक्टूबर 1929 गढ़वाल का उन्होंने दौरा किया था। और उसके बाद आ जाते हैं 26 जनवरी 1930, उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया, टिहरी रियासत को छोड़कर, ठीक है, टिहरी रियासत में नहीं था, और नमक बनाया गया, क्योंकि ये दांडी यात्रा का टाइम है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये क्या है, आप लोगों को दांडी यात्रा का टाइम है। दांडी यात्रा में 3 उत्तराखंडी गए थे, कौन कौन गए थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर, ठीक है। तो ये लोग क्या किया था कि बहादुर जो गए थे उन्होंने ज्वाला दस जोशी के साथ में वहां जाकर एक कांड किया था। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, कहां, दांडी यात्रा में किसने सॉरी, जो बहादुर थे वो किसके साथ में गए थे, ज्वाला दत्त जोशी के साथ में, भैरव दत्त जोशी के साथ में, और उन्होंने वहां पर एक कांड किया था। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं चीजों को याद करने के लिए। 1930 ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, दुगड्डा, दुगड्डा आपका पौड़ी में है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखना है, पौड़ी में है दुगड्डा। और 1930 23 अप्रैल 1930 ये पेशावर में 2/18 जो गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे, वहां पे चंद्र सिंह गढ़वाली थे, बहुत फेमस नाम है, आप लोगों को पता ही होगा, और इनके नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने
से उन्होंने इनकार कर दिया। इसी का नाम पिशावर कांड कहा गया था और प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। कब की बात है? 1930 की। 1930 में गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था, इसमें बड़ा नाम था भवानी सिंह जी। नेक्स्ट आप लोगों का 37 की बात करते हैं। सोमेश्वर अल्मोड़ा के नजदीक चनोदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम स्थापित किया गया था। कहां? चनोदा में, ये अल्मोड़ा सोमेश्वर में है। ठीक है, अब आ जाते हैं 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। देघाट अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई। हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त और कांडपाल इसमें क्या हो गए? शहीद हो गए 1942 में। अब बात आती है 25 अगस्त 1942 की। अल्मोड़ा के धांधू सालम जो प्लेस है में जनता ने सेना के बीच क्या पत्थर और गोलियों से युद्ध हुआ। टीका सिंह और नरसिंह धानक क्या हो गए? शहीद हो गए। 42 की बात है 5 सितंबर की। सल्ट क्षेत्र में कुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर फिर गोलियां चलाई। गंगाराम खीमादेव नामक सगे भाई क्या हो गए? इसमें शहीद हो गए। सल्ट, सल्ट को कुमाऊं का बारदुली कहा जाता है, ये नाम महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। कुमार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पे? कुमार में। तो आप लोग फिर से एक कार्ड बनाइए, यहाँ पे लिखिए कुमार और पीछे लिख लीजिए 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस। अब आ जाते हैं बात करते हैं कि महिलाएं नमक सत्याग्रह में नैनीताल में विमला जानकी भागीरथी शकुंतला सावित्री और पद्मा जोशी आदि ने इसमें भाग लिया था। और अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया था किसने? बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती मंगला और रेवती। तो तीन नाम आप लोगों को ध्यान रख लेने, कुंती, जीवंती, मंगला, चार नाम हो गए रेवती। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश गवर्नमेंट द्वारा उस टाइम पे दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में मालती देवी देश सेवक संगठन इन्होंने बनाया था। तो कई बार इस तरह के छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उनको पूछ लिया जाता है कि देश सेवक संगठन किसने बनाया था, तो यहाँ पे क्या है? मालती देवी। तो ज्यादा फोकस हमारा जाता नहीं है ऐसे छोटे फैक्ट्स में, और फिर यही सारी चीजें पूछ ली जाती है, फिर वो मुश्किल हो जाती है आंसर करना। विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती भागीरथी ने रेल को क्षति पहुंचाई थी और इन्हें 15-15 साल की सजा भी दिलाई दे दी गई थी गवर्नमेंट अंग्रेजों द्वारा। 1941 में सरला बहन, मूल नाम इनका आइलामन था, गांधी जी की विदेशी शिष्या थी। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। मीरा बहन गांधी जी की ही विदेशी शिष्या थी। ऋषिकेश में इन्होंने पशलोक की स्थापना की थी। पत्र पत्रिकाओं का योगदान, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं उनका योगदान कौन सा था। 1871 अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक प्रकाशन ये था अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब द्वारा। अब आप लोगों को बताना कि डिबेटिंग क्लब के साथ में हमने कौन सी डिजिट लिखी थी। ओके, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है कि इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों को कितना याद है इसमें डिबेटिंग क्लब। 18 की बात करते हैं, अखबार ये बंद हो गया। बद्रीदत्त पांडे होली के अंक में ये संपादक थे उस टाइम पे, और तत्कालीन उन्होंने कमिश्नर पर इसमें प्रहार किया था, इसलिए ये अखबार बंद कर दिया गया था। 1918 शक्ति साप्ताहिक प्रकाशक बद्रीदत्त पांडे। 1901 कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन का गठन किया गया था कुली बेगार के लिए देहरादून में। और 1905 में गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था, और किसने किया था? गिरजादत्त नैथानी ने। तो इसमें आप जरूर कर लीजिए कि 05 लिख के और गढ़वाली जो पत्र है उसे एक साइड लिख लीजिए और दूसरी तरफ आपको गिरजादत्त नैथानी लिखना है। 39 कर्मभूमि लैंसडाउन से ये भक्तर्षण और भैरव दत्त दोनों ने इसका प्रकाशन किया था। 41 युगवाणी मासिक पत्रिका देहरादून से ये प्रकाशित हुई थी। सो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट था जो स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान है, और बाकी हमने टाइमलाइंस उत्तराखंड की दी हैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में। सो होपफुली कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा PDF में। तो इसी तरह की क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं कोर्स में, और साथ ही साथ जो PDF है वो PDF भी आप लोगों को कोर्स के साथ में मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।